हेलो, हाय रिया, कैसी है तू? मैं भी ठीक हूँ यार, तू कैसी है? जैसे मुझे तूने इंस्टाग्राम पे मतलब वो शूज की फोटो डाली थी ना, बहुत अच्छी थी भाई। कहाँ से लिया? हाँ वो सब छोड़, मैं तो पढ़ाई से एकदम बोर हो चुकी हूँ। लेकिन वो जो तेरा पार्टी वाला प्लान था, हाँ वही वाला, हाँ, उस पार्टी का तो एकदम मस्त प्लान है। उससे मेरा और तेरा दोनों का मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना मम्मा, ना अभी हम उनको क्या बहाना देंगे? ये थोड़ी बोल सकते कि पार्टी के लिए जा रही हूँ। हाँ यार, एकदम सही आइडिया है। मम्मा को यही बोलूंगी कि हम ग्रुप स्टडी करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, चल शाम को मिलते हैं। हाँ सी या बाय। यस, अब चलो मम्मा को बताते हैं। मेरी प्यारी मम्मी। हाँ बोलो। मम्मा आपको पता ही है ना, जब मैं अकेले पढ़ती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। मम्मा आप सुन रहे हो? हाँ हाँ सुन रही हूँ। हाँ मम्मा, तो आपको पता है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना रिया, उसने एकदम अच्छा आइडिया दिया। उसने मुझे बताया कि हम ग्रुप स्टडी करते हैं, और आपको पता ही है सारी टीचर्स ही बोलते हैं ग्रुप स्टडी बहुत एफिशिएंट है। तो इसीलिए ना अगर मैं ग्रुप स्टडी करूँगी तो मैं पढ़ भी लूँगी, और वैसे भी एग्जाम पास आ ही रहा है ना, तो उसमें अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। मम्मा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। हाँ बाबा सुन रही हूँ मैं। मम्मी क्या मैं ग्रुप स्टडी करने जा सकती हूँ? पढ़ाई के लिए तो अच्छी बात है, जाओ। ओके मम्मा, थैंक यू। और हाँ अपना ध्यान रखना। आ गई संगीता, आओ। बहुत अच्छी मैम साहब, आपकी और अनु बिटिया की वजह से मेरी गुड़िया की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आपको पता है मैम साहब, आपने जो अनु बिटिया की पुस्तक दी थी उससे मेरी गुड़िया कितनी खुश हुई थी। गुड़िया में क्या लाई? ये तो खाली है, ये भी पूरी खाली है, ये सब खाली है। माँ ये तो पूरी खाली बुक्स है। माँ ये तो बेस्ट है, इसमें तो मैं पूरे एक साल काम चलाऊंगी। बहुत अच्छी बुक्स है माँ। देख बेटा, तू एक बुक मांग रही थी ना, तुझे कितनी सारी मिल गई। अब तू मन लगा के पढ़ाई करना, और क्लास में अव्वल आना है तुझे। अरे संगीता, क्या सोचा निकाल देती हूँ, थोड़ी पढ़ने वाली हूँ। अभी थोड़े कपड़े ले लेती हूँ। कपड़े ये सही है, हाँ ये सही है, ये चश्मा भी अच्छा लगेगा। Ready to leave. ये कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ बैठ के पढ़ाई कर, मैं जल्दी से काम निपटा के फिर उस सामने वाले का काम खत्म करके फिर हम दोनों जाते हैं। बैठ के मैं
साहब ने आपके लिए भेजा है। अच्छा ठीक है मेम साहब, यहाँ एक लड़की बैठी है, कौन है? ये कौन है? संगीता। हाँ मेम साहब। ये उधर कौन बैठा है? अरे ये मेम साहब मेरी गुड़िया है, मेरी बेटी। वो क्या है ना मेम साहब, मेरे चौल में 3 दिन से बिजली नहीं आ रही है और 2 दिन बाद गुड़िया की परीक्षा है, तो उसको पढ़ाई करना था इसके लिए मैं लेके आ गई, तो यहाँ सीढ़ी पे बैठा दी उसको पढ़ने के लिए। तो बाहर की बैठी है? अरे बेटा तुम यहाँ क्यों बैठी थी? मैं यहाँ बैठ रही थी आते। अरे तुम यहाँ क्यों पढ़ रही हो? आ जाओ अंदर पढ़ो ना, आओ। थैंक यू आंटी, आपकी वजह से मैं आज पढ़ पाई। अब मेरा एग्जाम कल बहुत अच्छे जाएगा, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू। अरे तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुम्हारे वजह से लास्ट टाइम तो मेरी बेटी को बहुत अच्छी सीख मिल गई है, अब वो एक बुक तो क्या एक पेज भी वेस्ट नहीं करती है। मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। और हाँ कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना, तुम रोज आ सकती हो यहाँ पढ़ने। थैंक यू मैम साहब। अनु बेटा, अनु बेटा चलो उठ जाओ, दोपहर हो गई है, एग्जाम की तैयारी नहीं करनी क्या? उठो। ओके बाबा, लेकिन मैं बाद में उठाने आऊंगी। हाँ सही तो कह रही है, रात भर पढ़ाई की होगी इसलिए थक गई होगी। चलो अभी सोने देती हूँ, बाद में उठा दूंगी। अरे क्या हुआ संगीता, इतनी खुश लग रही हो, बड़ी अच्छी साड़ी भी पहन के आई हो, बताओ क्या बात है? अरे मैम साहब ये मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ, मुँह मीठा कीजिए। मैं अरे किस बात के लिए? मेरी गुड़िया का रिजल्ट आया है, वो पूरे स्कूल में अव्वल आई है। अरे वाह ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ मैम साहब ये सब तो आपकी ही देन है मैम साहब। इसे मैम साहब मुँह मीठा कीजिए, मैं अनु बिटिया को भी खिला के आती हूँ। एक्चुअली ना वो बाहर गई है अपने दोस्तों के साथ, जब आएगी तो मैं उसे खिला दूंगी, तब तक तुम अपना काम कर लो। जी मैम साहब। अनु का भी तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, जब आएगी तब उससे पूछ लूंगी। मम्मी मैं आ गई। अरे बेटा इतना लेट क्यों कर दिया? वो मम्मा क्या है ना, इतने सारे मतलब कपड़े इतने अच्छे आ रहे थे तो मैं सब लेने में टाइम नहीं लग गया। अच्छा वैसे तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट आया? हाँ आया होगा, लेकिन पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, मिस नहीं दे पाई। वैसे संगीता की जो बेटी है ना पूरे स्कूल में टॉप की, तो इसलिए वो मिठाई लाई थी। ये लो खा लो। बच गए, मम्मा ने तो अनुज पकड़ ही लिया था, इसको तो छुपाना ही पड़ेगा, लेकिन कहाँ छुपाऊं? पर मेरा मंदिर बहुत आसानी से दिख जाएगा। कंप्यूटर तो नहीं देख पाएंगे। ओह या।
मार्क्स ला दिए और पास हो गई, पर मेरी बेटी अनु तो खरीदी हुई किताब से भी अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाई। मैम साहब चिंता मत कीजिए, अनु बिटिया मेहनत कर रही है ना, अगली बार जरूर पास होगी। सॉरी मम्मा। पढ़ाई के बहाने हमेशा घूमने जाती थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। और जैसे संगीता आंटी ने बोला ना, वैसा ही मैं करूँगी। मैं इस बार और अच्छे से पढ़ूंगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी और मैं आपको प्राउड फील कराऊंगी। अच्छी बात है बेटा, तुमने रियलाइज किया अपनी गलती। थैंक यू मम्मा। तो गाइज आप सभी ने तो कमाल ही कर दिया। मेरे पिछले कम्युनिटी पोस्ट पर जिसमें आपको गेस करना था, आप लोगों ने मोस्टली तो सही गेस किया, तो मैं उसमें से फर्स्ट 20 लोगों को शाउट आउट दे रही हूँ। और गाइज अगर आप चाहते हो कि आपका नाम भी आए तो उस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हम जल्दी 1 मिलियन की फैमिली हो सके।